मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ी हलचल शुरू हो चुकी है। खबर है कि कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के दोनों नेता शनिवार से दिल्ली में हैं। यह भी बात सामने आई कि नकुलनाथ और कमलनाथ के साथ कई विधायक साथ बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। पहली बार सांसद नकुलनाथ अपने पिता की सीट छिंदवाड़ा से पहली बार 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था। पहली बार चुनाव में उतरते ही नकुलनाथ ने भारी जीत हासिल की थी। सांसद के साथ नकुलनाथ एक उद्योगपति भी है जिनके पास 1 करोड़ की संपत्ति भी है। खबर के मुताबिक नकुलनाथ के पास 660 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। वहीं इनके ऊपर संपत्ति की तुलना में मामूली कर्ज करीब 88 लाख रुपए है। नकुलनाथ ने अमेरिका के वे स्टेट कॉलेज बोस्टन मैसाचुसेट्स से बिजनेस में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। नकुलनाथ ने कई कंपनियों के शेयर भी खरीद रखे हैं, साथ ही बॉन्ड और डिबेंचर में भी पैसा लगा रखा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज से लेकर येस बैंक समेत कई कंपनियों के शेयरों में इन्होंने बड़ा निवेश किया है। नकुल ने इसके अलावा कई तरह के फंड में भी निवेश किया, साथ ही आरबीआई की योजना सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के तहत 10 लाख रुपए तक का निवेश किया है। कुल मिलाकर नकुल ने शेयर बाजार में करीब 6 करोड़ रुपए का निवेश कर रखा है। नकुलनाथ और उनकी पत्नी के नाम पर 11 बैंक अकाउंट में 8 करोड़ 60 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति जमा है। इसमें सबसे ज्यादा पैसा दुबई के एक बैंक में जमा है जो करीब 8 करोड़ 30 लाख रुपए है। इसके अलावा पीपीएफ में 29 लाख रुपए, एलआईसी में 2 लाख रुपए और अन्य बीमा 70 लाख रुपए का है। इसके साथ ही इनके पास 1 करोड़ 36 लाख रुपए का गोल्ड और सिल्वर है। नकुल के नाम पर कंपनी और कई एसेट को मिलाकर 598 करोड़ रुपए की अन्य संपत्ति है। वहीं कमलनाथ के नेटवर्थ 134 करोड़ रुपए है। वहीं इनके ऊपर 6 करोड़ से ज्यादा का कर्जा है। कमलनाथ के पास कुल चल संपत्ति 41 करोड़ रुपए है। इन्होंने शेयर बाजार में 5 करोड़ रुपए का निवेश कर रखा है। कमलनाथ ने 8 करोड़ का बीमा भी करवा रखा है। ऐसे वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।